हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू माय यू सॉरी वेलकम टू निलुजाट कला यूट्यूब चैनल. बोल लिया गलती से. कम ऑन जॉइन फास्ट गाइस. आज हमने यहाँ पे टेक्सचर वर्क हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है. इससे आगे का वर्क करेंगे और मोस्टली आज हमारा ये वर्क फिनिश हो जाएगा. राइट, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट. ओके, चलिए. विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी आर क्लियर, राइट? ओके, चलिए. ओके, डन. चलिए, यहाँ तक कंप्लीट किया था हमने. कार्डबोर्ड के ऊपर क्रिएट किया है, यहाँ तक हमारा काम पहुँचा है. अभी आगे बढ़ते हैं. मैं कैमरा का एंगल सेट कर दूँ, ठीक है? नाउ इट्स क्लियर. थोड़ा अप कर देती हूँ. ओके, डन. राइट, देखिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है हमारा. नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना था कि जो बटरफ्लाई हमने बनाया है उसमें जो उसका बॉडी पार्ट्स है उसको 3D वर्क देना था. उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्ले. राइट, तो आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मोल्डेड क्ले, पेपर क्ले, जो भी आपके पास अवेलेबल है तो आप वो क्ले का यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे मेरे पास जो पेपर क्ले है उसका ही यूज़ करूँगी. ये देखें, एक्चुअली ये है हमारे पास वाइट कलर की, मतलब ऑफ वाइट कलर की. बट हमें यहाँ पे बॉल्स चाहिए होंगे, ये यानी जो बॉडी पार्ट्स बनाना है वहाँ पे ब्लैक कलर का बनाना है. राइट, तो इसमें दो ऑप्शन है. आप चाहो तो क्ले को अभी ब्लैक कर सकते हो, ये इसमें थोड़ा एक्रेलिक मिक्स करके इसको कम्प्लीटली मिक्स कर दो एक्रेलिक के साथ, तो ये कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा. अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टिक कर दीजिए, देन आफ्टर वो ड्राई हो जाए फिर हम उसके ऊपर कलर अप्लाई कर देंगे. राइट, तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं. बट यहाँ पे मैं अभी हाथ गंदे नहीं करने मुझे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही क्ले को अप्लाई कर देती हूँ. फिर ड्राई हो जाएगा ना, देन मैं उसके ऊपर कलर कर दूँगी. ओके, तो वन बाय वन हम ड्रॉप्स रखते जाएंगे और उसका जो बॉडी का पार्ट है ना वो क्रिएट कर रहे हैं. जस्ट वन डॉट फेविकॉल अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं करना है. और जो ही जो शेप में हमने क्रिएट किया है ना वही शेप में जाना है आपको.
गुड आफ्टरनून अनु जी, गुड आफ्टरनून डियर। ये जस्ट फेस बना दिया हमने, बट फेस था वो आगे से थोड़ा ऐसे था, कट वाला, राइट? तो हमें कट भी देना है। मैंने नॉर्मल पेपर क्ले ही यूज़ करी है अनुजी, आप चाहो तो मोल्डेड का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी क्ले। हमें बिल्कुल कम क्ले चाहिए इसमें, तो अवेलेबल है हमारे पास, तो वो वाली क्ले यूज़ कर सकते हैं, जो भी क्ले अवेलेबल हो, राइट? गुड आफ्टरनून दिव्या जी, गुड आफ्टरनून। और अनुजी, ये क्ले कैसे बनानी है वो हमने अपने प्रीवियस क्लास किए थे ना, उसमें आप जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि ये क्ले हमने कैसे क्रिएट किया था, राइट? स्मॉल स्मॉल बॉल बनाते जाइए एंड बॉडी पार्ट्स पे हमें लगाना है। हाँ वही अनुजी, चॉक पाउडर, पेपर, पेपर का पल्प एंड हमारा फेविकॉल, तीनों को सही मात्रा में इसमें डाल के फिर हमें बनानी होती है। इसमें फेविकॉल भी मिक्स कर सकते हैं और अपना नॉर्मल जो कैमल ग्लू आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? दोनों का रिज़ल्ट अच्छा होता है। जैसे हमने यहाँ पे शेप क्रिएट किया है उसी शेप से जाना है गाइस। कहीं पे बड़ा है तो बड़ा करेंगे, सर्कल वाला है तो सर्कल वाला करेंगे, ठीक है? ओवल है शेप तो ओवल शेप में ही क्रिएट करेंगे। एक जस्ट हमने 1 kg चॉक पाउडर लिया है अनुजी, तो हमें जस्ट 1 छोटी कटोरी जो हम यूज़ करते हैं ना, उतनी छोटी कटोरी पल्प जाएगा हमारा, पेपर पल्प उतना इनफ है उसके लिए, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, थोड़ा प्लस माइनस हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, कुछ रिज़ल्ट में चेंज नहीं होता। जस्ट अ मिनट गाइस। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ग्लू ही यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू डियर।
सॉरी, बीच बीच में कॉल आ रहा है। यहाँ पे जो हम क्ले वर्क कर रहे हैं, राइट, अगर इसको आपको स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको सेम क्ले का जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही आपको भी करना है, राइट। तो आप ये वाला पार्ट ना स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा 3D लुक देना चाहती थी बटरफ्लाई का, ताकि हमारा सिंपल ऐसे पेंटिंग जैसा ना लगे, इसलिए। थैंक यू अनु जी। हाँ जी दिव्या जी, हम ना उसको पकड़ के रखेंगे तो नहीं उड़ जाएगा। हमने इतने अच्छे से प्यार से बनाया है तो ऐसे थोड़ी जाने देंगे, राइट। थैंक यू मानसी जी। यानी नीचे आते आते हम छोटे छोटे बॉल्स क्रिएट करते जा रहे हैं, देख रहे हो आप। यहाँ से बड़ा सा होते होते फिर बहुत ही स्मॉल साइज में लेना है। ओके, इट्स डन। तो ये हो गया हमारा क्ले वर्क। हाँ अभी देखिएगा, अभी हम ये वाला ही कर रहे हैं अनुजी। चलिए ये हमारा हो गया, राइट। किसी किसी स्टूडेंट को ये क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। वेट हाँ गाइस, हाँ आपके पास, आप लोगों के पास आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना दिव्या जी। चलिए गाइस, तो इसको हम अभी ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी जो न्यू स्टूडेंट है ना, उसको मैं यहाँ पे ग्रुप लिंक डाल देती हूँ। मेरे जो NA आर्ट क्लासेस का पेज है ना, वहाँ से मैं डाल रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी मेरा ही पेज है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे NA आर्ट क्लासेस के पेज से मेरी व्हाट्सएप लिंक है वो शेयर कर दी है। तो जो भी न्यू मेंबर है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। नहीं, विंग्स भी हमने पेंटिंग किया है रुखसाना जी, हमने पेंट किए हैं सारे विंग्स। तो ये कुछ पेपर नहीं चिपकाया, राइट। चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे भी दो ऑप्शन हैं। पहले मैं कलर को निकाल देती हूँ। अभी वो दो ऑप्शन क्या है, दो तरीके से आप कर सकते हो, और हम यहाँ पे कौन सी मेथड से जाएंगे वो भी हम देखेंगे। अभी हमें चाहिए वाइट एक्रीलिक कलर, राइट। वाइट एक्रीलिक कलर मैंने ले लिया है। अभी जस्ट आप इसको ना स्पॉन्ज पे थोड़ा थोड़ा लेके डायरेक्ट इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, राइट। जो भी हमारी डिज़ाइन बनी हुई है, हमारी डिज़ाइन तो ऑलरेडी है ही, ये शो नहीं हो पा रही है, ये देखिए।
इतनी कैमरे में अच्छे से नहीं दिखेगी। हेलो मेघना जी, थैंक यू अनु जी, थैंक यू। तो ये हमारी डिज़ाइन तो पॉपअप तो है ही, यानी थोड़ा 3D तो है ही। तो हम इसके ऊपर ना स्पॉन्ज से करेंगे, एकदम लाइट थोड़े से कलर को लेके स्पॉन्ज करेंगे तो भी हमारी डिज़ाइन पे लग जाएगा। बट मैं यहाँ पे ऐसा, वो हमारी नॉर्मल मेथड है, हम हमेशा वही करते हैं। बट इस बार ना मैं अगेन स्टेंसिलिंग करूँगी इसके ऊपर। ये देखें, अगेन मैं वही स्टेंसिल का यूज़ करूँगी फिर से। कैसे तो हम देख लेते हैं। अभी जैसे हमारी ये डिज़ाइन क्रिएट हुई है ना, वैसे ही मैं यहाँ पे रख दूँगी। नहीं अनुजी, स्पॉन्ज बिल्कुल भी ड्राई होना चाहिए, स्पॉन्ज गीला नहीं होना चाहिए। जब भी हम स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं ना, तो वो कम्प्लीटली ड्राई लेना है आपको। बस सिर्फ कलर ही उसमें हम लेंगे थोड़ा बहुत। ये देखिए, अभी ये डिज़ाइन के ऊपर ना सेट हो गया। ओके, तो ये हमारी डिज़ाइन जैसे नीचे बनी हुई है, वैसे ही मैंने इसको भी सेट कर लिया। अभी क्या करेंगे हम, एक प्लेट ले लूँगी मैं, और वाइट एक्रिलिक कलर बिल्कुल भी थोड़ा सा ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। स्पॉन्ज को कलर में थोड़ा डिप करूँगी, थोड़ा इतना ही लिया है मैंने। और पहले एक्सेस जो कलर है वो मैं प्लेट में ही टैप टैप कर दूँगी। ये स्पॉन्ज थोड़ा मेरा अलग कलर का है, चलिए दूसरा ले लेती हूँ। स्टेंसिलिंग हिलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक बार प्लेट में मैंने टैप कर लिया, मतलब मेरे स्पॉन्ज में से एक्सेस कलर पूरा चला गया है, राइट। अभी हमें हल्के हाथों से, बिल्कुल भी हल्के हाथों से ही टैप करना है। ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए गाइस। कभी भी ना स्पॉन्ज से वर्क करो तो डायरेक्ट स्पॉन्ज को कलर में डीप करके कभी नहीं करना चाहिए। एक बार उसको नीचे अपनी प्लेट पे, जो भी पैलेट यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर एक बार टैप कर लीजिए, एक्सेस कलर निकाल दीजिए, देन उसका यूज़ करना होता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस। मैं भी काम करते करते आप लोगों को बताना भूल जाती हूँ कि वीडियो को शेयर करिए, बट आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ जी नीता जी, पूरा वीडियो मिलेगा आपको। इसके जो दो सेशन हो चुके हैं वो भी मेरे पेज पे अवेलेबल ही है, तो आप टेंशन मत लीजिए। हेलो सुचित्रा जी, हेलो।
हाँ जी दिव्या जी, वाइट कलर है ये, वाइट एक्रीलिक कलर। वैसे आपको कोई दूसरा कलर लेना है, जैसे हमने ब्लू का शेड दिया है, टेल ब्लू का। हेलो संतोष जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। संतोष जी देखो ना, कोई भी शेयर करता है ना, तो यहाँ पे मुझे सिंबल मिल जाता है कि किसने शेयर किया। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए गाइस। ओके, मैं ये बोल रही थी कि आप अगर वाइट कलर नहीं लेना चाहते और अगर आपको डार्कर शेड लेना है ब्लू का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बाकी है। ज़्यादा मिस नहीं किया हमने, जस्ट बटरफ्लाई का वर्क किया है और ये स्टेंसिलिंग, तो आप ज़्यादा लेट नहीं हुए। ये देखिए, दिख रहा है? बस इतना ही, हमें लाइट शेड ही चाहिए। ऑलरेडी हमने टेक्सचर वर्क इसके ऊपर किया हुआ है, इसलिए थोड़ा हमने वाइट कलर से इसको हाईलाइट किया ना, तो ये और भी एनहांस होगा, राइट? तो थैंक यू सलोनी जी फॉर शेयरिंग डियर, थैंक यू। तो ये देखिए, तो ये ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, हमारी ऑलरेडी टेक्सचर वर्क और उसके ऊपर थोड़ा वाइट टच दिया है डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए, राइट? तो ये और भी सुंदर दिखेगा। चलिए सेम मेथड अदर साइड, यहाँ पे भी सेम मेथड से करेंगे। तो एक बार मैं चेक कर लूँ, सेट कर देते हैं डिज़ाइन टू डिज़ाइन। यहाँ पे ना मैं फ्लावर है ना, ये बीच वाला, उसको टारगेट कर रही हूँ कि अगर मेरे फ्लावर के बीचों बीच आ गया तो इट मीन्स कि ये सेट हो गया, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेक कर रही हूँ डिज़ाइन को। चलिए अभी वहाँ पे प्रेस करके मैं बाकी की जगह पे चेक कर लूँ। ओके, यहाँ पे उल्टा रखना है, ये थोड़ा आराम से करना है आपको, अच्छे से गाय गाय बिल्कुल नहीं करेंगे हम। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन, राइट? ठीक है, चलिए अगेन सेम मेथड से हमें ये भी फॉलो करते जाना है। निकाल देंगे हमारा वाइट कलर, जो भी न्यू मेंबर है गाइस जल्दी से पेज को फॉलो कर दीजिए। एंड मैंने व्हाट्सएप लिंक यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होंगी ना, वो इंस्टेंट मिल जाएगी। ठीक है,
ये वाला काम ना आपको स्पॉन्ज से ही करना होता है, इसमें आप ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ जी ललिता जी, आप कैनवास पे भी कर सकते हैं, बट साइज़ इसमें कोई भी प्रॉपर कंपलसरी नहीं है ललिता जी, आपको कोई भी साइज़ लेनी है आप ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टेंसिल जो हो आती है ना वो 12x12 की होती है, तो काफ़ी बड़ी होती है, तो आपका अगर मैंने जितना साइज़ लिया है उससे भी बड़ा अगर आपका बोर्ड होगा तो भी आप आराम से स्टेंसिलिंग कर सकोगे, एंड बटरफ्लाई भी आपका उसके हिसाब से होगा। तो साइज़ का ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कंपलसेशन नहीं है कि आपको इतनी साइज़ लेनी है इसमें, राइट? आप अपने घर में कौन सी वॉल के ऊपर लगाने के लिए बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग करोगे, तो फिर ज़्यादा आप उस जगह को डेकोरेट कर पाओगे। एक्चुअली मैं ना हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि पहले हम ना डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी वॉल के ऊपर ये सारे पीस वॉल डिकोर बना के लगाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही साइज़ लेनी होती है हमें। और ये सी स्टेंसिल वैसे तो अमेज़ोन पे मिल जाती है, इट्सी बिट्सी पे से भी आप परचेस कर सकते हो, या फिर आपको मुझसे लेना है तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको। अगर आप इट्सी बिट्सी से बाय करते हो कोई भी आर्ट प्रोडक्ट या क्राफ्ट प्रोडक्ट, तो आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ना नीली5, तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा वहाँ पर, राइट? तो आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोड अगर आप वहाँ से कभी भी बाय करते हो या बाय करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। नीली5, NILI and 5, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको नीली, NILI and 5। और अगर आपको कहीं से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है अच्छे रेट में तो आप फिर मुझे कांटेक्ट करिएगा, राइट? तो अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ जी ललिता जी, मैंने जो बोला ना वही है कोड नीली5, NILI and 5। ऐसा हो तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे पर्सनल में आप DM कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, राइट? अच्छे से इवन आप लोगों में से किसी को MDF या कोई भी मटेरियल लेने में, एक्रिलिक शीट हो गई और कुछ भी ऐसे बाय करने का कोई भी हो, करना हो और बिल्कुल भी नॉर्मल रेट में, तो आप ना एक बार कांटेक्ट करिएगा, मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ आप लोगों को, है ना? वैसे अमेज़ोन पे सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कभी आपको ज़रूरत लगे तो। चलिए, ऑलमोस्ट हमने स्टेंसिलिंग कर दी है सभी जगह पे। मैं एक साइड का ओपन करके चेक कर लेती हूँ। ओके,
ऑलमोस्ट सब क्लियर है। यस ललिता जी, नीली 5 बट कैपिटल एन कैपिटल आई सारे कैपिटल लेटर्स में ही लिखने हैं आपको। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि सबको काम आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेरा कोड। ओके सो हमारी इस साइड की स्टेंसिलिंग भी हो गई है डन। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। कैसा लगा, कैसी लग रही है जल्दी से बताइए। थैंक यू सलोनी जी। चलिए चलिए ओके अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है। थैंक यू मानसी जी। अगेन ले लेंगे हमारा ब्लैक कलर, ब्लैक एक्रिलिक कलर। थैंक यू अनु जी। अभी हमने यहाँ पे क्ले वर्क किया था ना, तो वहाँ पे थैंक यू संतोष जी क्ले वर्क किया है उसके ऊपर मैं कलर अप्लाई कर देती हूँ जिससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और क्ले वैसा का वैसा सूख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वाली क्ले ना आफ्टर ड्राइंग ये इतनी श्रिंग नहीं होती। थैंक यू सुमन जी सहन, थैंक यू नीता जी, भाग्यश्री जी। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए पेज को। अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप भी अपने इंटरेस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी शेयर करिए जिससे जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ जुड़ सके। यहाँ पे मैंने ना 0 नंबर की ब्रश का यूज़ किया है, राउंड राउंड ब्रश 0 नंबर की। थैंक यू रुखसाना जी। अभी मैं कैसे हम वॉल पे हैंग करेंगे वो भी आपको शो कर देती हूँ जिससे आपको ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सुंदर लगेगा हमारा बटरफ्लाई क्योंकि उसकी बॉडी है पूरी हमारी पॉपअप हो रही है, पूरा 3D वर्क लग रहा है तो बहुत ही सुंदर दिखेगा ये जब वॉल पे हम लगाएंगे तो इसका फिनिशिंग इसका एनहांस अलग से होगी। ये आप अपने गार्डन एरिया में लगा सकते हैं, बालकनी डिकोर में लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जहाँ पे आपने प्लांट्स एंड अपना छोटा सा गार्डन बना के रखा हो वहाँ पे आप इसको लगाइए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा।
थैंक यू दिव्या जी। ये देखिए हो गया। अभी ये दिख रहा है अच्छे से। अभी आपको यहाँ पे कोट्स लिखने हैं ना, तो कोट्स भी लिख सकते हैं, जैसे गुड वाइब्स, माय हैप्पी प्लेस, या कुछ भी लिख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा हम लिखेंगे तो नहीं, बट थोड़ा हम एनहांस करेंगे। मैं यहाँ पे मेरा डॉटिंग टूल ले लूँगी, थोड़ा अपना टच दे देते हैं। राइट, वैसे ऑप्शनल है, आपको करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाला पार्ट ना आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं क्या है, ये जो हमारी स्टेंसिलिंग वर्क है ना, वहाँ पे थोड़ा डॉटिंग पार्ट करूँगी। कलर को पहले निकाल देते हैं प्लेट में। दिस पार्ट इज़ नॉट कंपल्सरी, आपको करना है तो कर सकते हैं, स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू दिव्या जी। यहाँ पे आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है तो आप ना नॉर्मल जो हमारी टूथपिक होती है ना, उससे भी ये डॉट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। यस अनुजी, मंडला डॉट्स। एंड मैं बीच बीच में भी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर देती हूँ डॉटिंग की। शरण जी, बटरफ्लाई हमने स्टेंसिल से नहीं बनाया डियर, हमने खुद से ही बनाया है, ड्रॉ किया है पहले एंड हमने कलर किया है, तो ये कोई स्टेंसिल से बनाया हुआ बटरफ्लाई नहीं है। राइट, ओके। आपको ये वाली जो स्टेंसिल है ना, वो अगर आपको परचेस करनी है तो वो आई थिंक 275 के अराउंड है, ये वाली जो मैंने यूज़ करी है वो। तो आप ना अदर ऑनलाइन शॉप पे चेक कर सकते हैं, लेनी है तो। अगर मेरे पास ये इतने की ही है। चले, इनफ है।
बाकी आपको जितना हम इसको डेकोरेट कर सके उतना कर सकते हैं, डॉटिंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए अभी डिफरेंस दोनों में हमें पता चल जाता है कि कितना डिफरेंस है, राइट। चलिए अभी थोड़ा बहुत ही बड़ी साइज़ की और छोटी साइज़ की, दोनों साइज़ की मैं रखती हूँ, काफ़ी यूज़फुल रहती है। चलिए अभी छोटे वाले डॉटिंग टूल से मैं ना बटरफ्लाई की आइज़ बना दी, क्यूट सी आइज़ बन गई उसकी, राइट। थोड़ा कलर है वाइट कलर, तो हम थोड़ा बटरफ्लाई के जो विंग्स वाला पार्ट है ना उसमें डेकोरेट कर देंगे। इट्स एब्सोल्युटली ऑप्शनल, करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये A4 साइज से भी काफी बड़ा है अनु जी। अभी जैसा मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पे रेंडमली आप कोई भी कोट्स लिख सकते हैं, या फिर हमने जो डॉटिंग पार्ट कराया ना वैसे डॉटिंग क्रिएट कर सकते हैं, आपको करना है तो आपकी चॉइस है। ये देखिए मैं दूर से दिखाती हूँ आपको कितना सुंदर दिख रहा है, कैसा लग रहा है। हमारा ब्यूटीफुल सा टेक्सचर पेंटिंग वॉल आर्ट
जल्दी से बताइए कैसा लग रहा है। जल्दी जल्दी, मैं लाइट को ऑफ कर देती हूँ जिससे दिखेगा। हमारा कलर कॉम्बिनेशन जो हमने यूज़ किया है वो भी काफ़ी यूनिक लग रहा है इसमें। थैंक यू ललिता जी, अनु जी, शरण जी, थैंक यू सो मच। अभी ये ना हमने एक पीस बनाया, राइट? तो ये मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप सच में अपने वॉल डेकोर के लिए या फिर गार्डन में आपकी अच्छी खासी स्पेस है गार्डन एरिया में और वॉल जहाँ पे पड़ रही है वहाँ पे आपको अगर ऐसे बनाने हैं ना, तो आप दो या तीन के सेट में इसको बना सकते हैं। जस्ट हमने हाफ सर्कल यहाँ पे लिया, राइट? तो हाफ सर्कल आपको दूसरा एक ऐसा पैनल लेना है और दूसरा साइड में रखना है। तो जैसे यहाँ पे हाफ लिया है उतना बाकी का जो हाफ हमारा बचेगा ना स्टेंसिल का वो उसमें लगाना है, राइट? समझ में आया? दो पैनल ले लेने हैं ऐसे, रेक्टेंगुलर शेप में लो या सॉरी स्क्वायर में, स्क्वायर में, राइट? दोनों में से कोई भी शेप आप ले सकते हैं। बट जब हम स्टेंसिलिंग करेंगे ना तो हाफ इसमें हाफ दूसरे पैनल में, वैसे आप लगा के रखोगे बहुत ही सुंदर दिखेगा। और अभी आई थिंक अभी इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी ट्रेंड में है वो, है ना मानसी जी? बहुत ही यूनिक लगने वाला है। बटरफ्लाई एक में बनाया है, दूसरे में आप फ्लावर बना सकते हो, राइट? जैसे बटरफ्लाई यहाँ पे हो गया, दूसरे पैनल में आपका फ्लावर हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। काफ़ी ट्रेंडी ट्रेंडी वॉल डिकोर है ये, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुंदर दिखेगा। एक्चुअली बालकनी डिकोर के लिए गार्डन हमारे गार्डन एरिया के लिए सबसे बेस्ट है, राइट? अभी आती है बारी इसको हैंग करने की। तो ये तो जस्ट हमने कार्डबोर्ड से बनाया है, राइट? तो ये इसको तो मैं कोई भी अपनी जूट रोप से अच्छे से फेविकॉल या फेविक विक इसकी हेल्प से, ये फेविबॉन्ड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है, राइट? या फिर ग्लू गन यूज़ कर लीजिए, तो उससे ना मैं ये इसको स्टिक कर सकती हूँ। थैंक यू अनु जी, दिव्या जी। तो जस्ट मुझे रोप लेनी है और यहाँ पे यू शेप में रोप को डाल देना है और पीछे स्टिक कर देना है, दैट्स इट। क्योंकि ये तो बिल्कुल भी लाइट वेट है, राइट? बट इसके बदले अगर आप MDF यूज़ करते हो या फिर प्लाई यूज़ करते हो, वुडन ब्लॉक यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको जो नेल के लिए जो हुक्स आते हैं ना वो आपको डलवाने पड़ेंगे पीछे, तो उससे वो कम्प्लीटली अच्छे से फिक्स हो जाएगा, राइट? तो ये हमारा वर्कशॉप बिल्कुल भी अच्छे से और कितने सिंपल वे में, ओनली 3 वर्कशॉप में हमारा ये कंप्लीट हो गया, यानी 3 सेशन में ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट? तो प्लीज़ आप लोग बनाए तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन है स्टेंसिलिंग के लिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम आज का सेशन क्लोज़ करते हैं, एंड नेक्स्ट मैं लाइव आऊँगी मंडे से। और मंडे कौन सा हमारा वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप मैं लाऊँगी वो मैं ग्रुप में एक बार डाल दूँगी एंड पेज पे भी डाल दूँगी। अगर कोई भी ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने यहाँ पे ग्रुप लिंक डाल दी है। और या फिर मुझे पर्सनली DM करना चाहते हैं कुछ क्लासेस के अकॉर्डिंग इंक्वायरी के लिए, या फिर स्टेंसिल्स आपको लेनी है उसके अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? अनु जी, MDF एंड प्लाई का साइज़ जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर आपके घर पे कौन सी वॉल के लिए चाहिए और वहाँ पे कितनी स्पेस में आपको वो लगाना है वहाँ पे आपको पता चलेगा, राइट? क्योंकि इसके लिए कोई भी साइज़ पर्टिकुलर नहीं है, मैं जस्ट रेक्टेंगुलर शेप में बनाया है, ये कॉमन साइज़ है इसकी, राइट? बट आपको पहले देखना है अपने घर पे
कि अगर आपने कोई भी वॉल चूज़ करी है लगाने के लिए ऐसे वाले पैनल्स, तो आपको कौन से एरिया में, एक तो कौन सी वॉल पे लगाना है और कौन से यानी कितने पोर्शन में वो चाहिए, साइड में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए या फिर मिडल में लगाना है, कॉर्नर में लगाना है, वो आपको साइज़ अपने आप ही पता चलेगी, यानी आपको ही पता चलेगी कि आप उसको कहाँ पे मैनेज करोगे। ठीक है, तो वो एक आप लोग देख लीजिएगा। बाकी साइज़ की इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये बड़ी साइज़ में भी अच्छा लगता है, स्मॉल साइज़ में भी अच्छा लगता है, स्टेंसिल भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में मिल जाएगी आपको, तो कोई भी टेंशन नहीं है। बटरफ्लाई भी हमने खुद से क्रिएट किया है, तो इसमें भी साइज़ आप बड़ी छोटी कर सकते हैं। इसका साइज़, ओके, मैं इसका साइज़ बता देती हूँ आपको। इसका साइज़ है, वन मिनट, 8, ओके, 8 बाई 12, 8 इंच बाई 12 इंच, ओके, यानी सेंटीमीटर में बताओ अगर कन्फ्यूज़न होता है तो, 21 सेंटीमीटर, 2, ओके, 21 to 31 सेंटीमीटर, राइट, ये 21 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 31 सेंटीमीटर, राइट, तो नॉर्मली है ये साइज़ अपने वॉल के लिए, बढ़िया है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो आज के वर्क रिलेटेड तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है, सब क्लियर है, तो हम सेशन क्लोज़ करते हैं। क्लियर सबको? ओके, आई थिंक ऑल इज़ क्लियर, राइट। चलिए तो ठीक है, आज का सेशन हम क्लोज़ करते हैं। थैंक यू अनु जी। तो ठीक है, आज का सेशन क्लोज़ करते हैं यहाँ पे। कोई भी क्वेरी है स्टेंसिलिंग के लिए या फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है बाय करने के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वाली स्टेंसिलिंग, आप ये जो 12 बाय 12 की साइज़ है इसकी, तो ये मेरे पास है और इसकी प्राइस भी मैंने आपको लोगों को बता दी है। ये 275 की है मेरे पास, तो आप लोगों को बाहर से चेक करना है अमेज़ोन पे या इट्सी बिट्सी पे, तो आप चेक कर सकते हैं। इट्सी बिट्सी पे अगर कुछ भी बाय करना है तो आप मेरा कूपन कोड नीली5 यूज़ करके वहाँ पे 5% डिस्काउंट मिल सकता है आपको। बाकी अमेज़ोन पे भी मिलता है सब कुछ, तो वो आपकी चॉइस है, राइट गाइस। ठीक है, तो मंडे मिलेंगे अगेन नए वर्कशॉप के साथ। कौन सा वर्कशॉप लाती हूँ वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और पेज पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके दिव्या जी, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। चलिए, बाय बाय।